गौरव भाई, इसमें कोई चटनी वटनी नहीं डालते आप? ये 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 यही मसाला, यही चटनी इसी के अंदर। ये तो अच्छा चीज है। पार्टी शुरू हुई है। हल्की हल्की सर्दी, गरम गरम मछली, वीआईपी कॉलोनी का ये माहौल, वाह। ये है भाई मशहूर जमाना चूल्हा, वो तैयार हो रहा है, ये तैयार शुदा है। मेरे ख्याल है अगर ये जीरे का बघार नहीं लगेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो बघार लगाते हैं ना, ये इसका भी बात है, और वही बात है कि अल्लाह ने जायका दिया होता है, हाथ की बात होती है। 10 साल से लोग यही टेस्ट बरकरार है। वाह, अरे अब चले, देख लिया हमें को ये टीवी प्रोग्राम आते हैं वही है, जरा मिल के आऊँ, चलो इसको मिल के आऊँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तवारक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई पीआईबी कॉलोनी यानी कि पी रिलाई बस कॉलोनी में, और ये बहुत ही पुर रौनक इलाका है। यहाँ पे आज हम कुछ खास चीज़ें टेस्ट करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे हमारे दोस्त इमरान, ज़िया बहुत ही पुराने हमारे दोस्त हैं, वो भी यहीं पर रहते हैं। तो आज हम कुछ बहुत ही मज़ेदार डिशेज़ ट्राई करेंगे। और पीआईबी कॉलोनी वो इलाका है कि जहाँ पे जो है ना बड़े बड़े लेजेंड्स का ताल्लुक इस जगह से रहा है। अनवर मकसूद साहब, फातमा सुरैया भजिया, काजी वाजिद मरूम, जो हमारे लेजेंड्स हैं वो सब इस इलाके से रहे हैं, और काफ़ी सारे सियासतदान भी इस इलाके में रहते हैं माशाल्लाह। और आज हम ट्राई करेंगे भाई, ज़बरदस्त है, यहाँ पे सूप मिल रहा है, कलेजी बर्गर मिल रहा है, यहाँ पे कचौरी है, फ़िश है, कैफे नूर बहुत मशहूर है जिसकी दाल और जिसका कीमा ख़ास तौर पर आज हम ट्राई करेंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त सीन होने वाला है आज। और ज़्यादा देर नहीं करते, देखते हैं पीआईबी में क्या हो रहा है, तो फिर चले। यहीं पे यही सूप तैयार होते जाते हैं भाई, यहाँ पे तैयार होते जाते हैं और वहाँ जाते जाते हैं। क्या बात है भाई, कैसे है? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फ्रेश लगा हुआ है सूप के ऊपर, अल्लाह की मेहरबानी है, आप लोगों की दुआएं अल्लाह की मेहरबानी है। भैया भाई आ गए और रस हो जाएगा। कैसे ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह, क्या ऐसा क्या डालते हैं सूप में आप? सूप तो अपने तरीके से बनता है, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह की मेहरबानी है, सही बात है, सही बात है। तो सर्दियों में ही होता है सूप या गर्मियों में भी होता है? सिर्फ 6 महीने होते हैं, सितंबर से लेके मार्च तक। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फ्रूट का काम है, यहीं पे फालूदे का काम भी होता है। सूप का प्याला 70, 90, 110 सादा है, चिकन है, अंडा चिकन। अंडे चिकन के साथ जो है वो 110 रुपये का है, और चिकन के साथ 90 रुपये का है। गुड यार, लगा यार इस सूप को, दे प्याला 110 वाला अंडा चिकन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान है, वालिद साहब का नाम है। भाई ये हमारा सूप आ गया है, और सूप के साथ ये सारे लवाजमात जो है ना वो यहाँ पे ये हैं, सिरका है यहाँ पे ये मिर्चें हैं, यहाँ पे ये चिली सॉस, सोया सॉस। सूप में ज़रा हम ये सारे जो है ना वो लवाजमात डाल लें। यार ये मसाले इस तरह के जो है ना ये तो मैंने सूप में फर्स्ट टाइम देखे। थोड़ा सा सिरका भी डाल लें। 110 रुपये का फुल हैवी ड्यूटी प्याला है भाई ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? अब चले, ये हमारा पक्का दोस्त है भाई। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल सही, मैं देखता हूँ टीवी प्रोग्राम, बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, बहुत। आज यहाँ पहुँच गए? बस आज यहाँ पहुँच गए। अच्छा अच्छा, सही है, बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल। आपको मैं प्रोग्राम छोड़कर अब चले, बस अब जा रहे हैं, अब चले। मैंने देख लिया हमें को ये टीवी प्रोग्राम आते हैं वही है, जरा मिल के आऊँ, चलो इसको मिल के आऊँ। आपकी तबीयत कैसी है? सही है, मेरे को दुआ में ख्याल में रखना। आपकी दुआ अच्छा, बिल्कुल मैं आपको आपको सुखी ना आवा रखें, आपके सब मुश्किल आसान करें, और आपके ईमान सलामत रखें। थैंक यू सो मच। ये भाई हमने थोड़े मसाला जात इसके मिक्स कर दिए हैं इसके अंदर, देखने में बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा मज़ेदार सूप लग रहा है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह वाह, बहुत आला है यार। ये इतने सारे लवाजमात ना भी हो ना तो सूप का अपना टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है।
बहुत ही ज्यादा सूप है भाई। और ये मैं थोड़े से मसाले ना और डालता हूँ थोड़ा सा, ये मसाले लग रहा था स्पाइसी है बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे ख्याल में इससे बड़ा डिफरेंट टेस्ट बन गया है। एक ये जिंजर है भाई, ओहो अब ये कलर पकड़ा है इसने, अब बात बनी भाई। वैसे तो जो चिकन कॉर्न सूप होता है ना उसी तरह का ये सूप है, लेकिन ये जो एडिशनल इन्होंने जिंजर दो तीन तरह के मसाले हैं इसकी वजह से बिल्कुल माहौल बदल गया है। और ये जो एक पूरी स्ट्रीट है, पूरा एक बीच में समझा है एक कंपाउंड है यहाँ पे बना हुआ, इसके अंदर मुख्तलिफ लोग जो है ना मछली भी खा रहे हैं, सूप भी पी रहे हैं, एक बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक बैठक वाला इन्वायरमेंट है ये यहाँ पे पी आई पी कॉलोनी का। और एक मोहल्ले की जो एक मोहल्ले की जो एक वाइब होती है ना, सबसे ज़्यादा ब्यूटी ये भी है कि आप यहाँ बैठ के कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली आप सूप के स्टॉल पर हैं तो सिर्फ सूप ही यहाँ सर्व होगा, आप फिश भी मंगवा सकते हैं या बर्गर भी मंगवा सकते हैं इसी प्लेस पे बैठ, तो ये यहाँ का बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत ही ज़बरदस्त। 110 रुपये का प्याला बहुत ही हैवी ड्यूटी है, दो लोग आराम से इसको बिल्कुल पी सकते हैं। टाइमिंग बहुत अच्छी है इसकी, लेट नाइट तक मिलेगा। हाँ कितने बजे तक? 4 बजे तक तो नॉर्मली होता है, 4 बजे तक रौनक रहती है यहाँ पे, 4 बजे तक बिल्कुल। हाँ भाई सूप तो बहुत मज़ेदार था, अभी हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करनी है, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन चैनल कम ही लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़े मज़े की वीडियोज़ आप लोगों तक फ़ौरन पहुँच जाए। चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो तो फिर आगे चलें भाई। ये सामने बना हुआ है कैफ़े नूर, और इस कैफ़े नूर को आप गूगल पे सर्च कराएंगे तो आपको मिल जाएगा, और बिल्कुल इसी के सामने ये पूरी फूड स्ट्रीट जो है ना, ये पूरे स्टॉल जी स्टॉल, बहुत बड़ा सीन है यहाँ पे भाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त सीन है। और भाई बिल्कुल सूप के बराबर में ये बना हुआ है मछली पीआईबी फिश पॉइंट, और पीआईबी फिश पॉइंट पे बड़ा रश चल रहा है माशाल्लाह। क्या हाल है मजान? ठीक है। कौन कौन सी फिश है? बाबा एक ही होती है, फिंगर है। फिंगर बम्बोली है? बम्बोली, बम्बोली। कौन सी फिश होती है? फिंगर होती है, आम मछली होती है। क्या हिसाब है फिश? 270 रुपये पाओ है। 270 रुपये पाओ, 1080 रुपये किलो हो गए। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम अजीम खान। अजीम खान, अजीम भाई एक पाव लगाने में भी ज़रा। भाई ये हमारी ज़बरदस्त सी फिंगर फिश आ गई है, और इसके ऊपर ये चीज़ मेरे अजीज, ये लेमन का इस पर तड़का, वाह जी वाह। इमरान भाई टेस्ट करो, बहुत ही गर्मा गर्म फिश है भाई, बिस्मिल्लाह। बहुत ही गर्म है, मसाला इस पर लगा हुआ है ज़बरदस्त सा, चाट मसाले का भी टेस्ट तड़का इस पे आ रहा है, जरा ये चटनी के साथ देखते हैं। चटनी से तो बात बनी है। ये जो चाट मसाले चटनी और लीमू का कॉम्बिनेशन बन के जो मछली का जायका आया है, अल्टीमेट हो गया भाई, बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे आए तो मछली के साथ चटनी ज़रूर खाएं। वाह, हल्की हल्की सर्दी, गरम गरम मछली सूप, पीआईबी कॉलोनी का ये माहौल, वाह भाई। मेरे हिसाब से घर ले जाके खाने में वो मज़ा नहीं आएगा जो यहाँ बैठ के बिल्कुल ताज़ी ताज़ी गर्मा गर्म खाने में मज़ा आ रहा है ना, वो उसका क्रिस्पी जो है ना वो सारा स्वागत हो जाती है ना। फैमिलीज भी यहाँ पे आई हुई हैं, पीछे बैठी हैं, बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। किसी किस्म का यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं है, फैमिली के साथ आप आएँ, बिल्कुल पीसफुल माहौल। भाई मछली के बिल्कुल बराबर में जो है ना वो कलेजी बर्गर है, उस पर भी बहुत ही ज़बरदस्त रश हो रहा है, उसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। ये बन रहा है कलेजी बर्गर, बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी बर्गर यहाँ पे जो है ना वो बन रहा है, और बहुत रश चल रहा है इनके पास। अल्लाह की मेहरबानी भाई, माशाल्लाह। कितने का है कलेजी बर्गर? 80 रुपये का सर। 80 रुपये का जी। 12 महीने बेचते हैं? 12 महीने काम है हमारा, है रोजी हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा पूरा 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 भाई जो है ना, वरना कलेजी के अंदर जो भीक आती है ना, स्मेल आती है तो वो खाई नहीं आती, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ महसूस नहीं हो रही। पूरा भाई एक बर्गर हमें भी लगा दे। आज क्या ये कलेजी चला दी उन्होंने हमें? अरे बुरा भाई इसमें कोई चटनी वटनी नहीं डालते आप? ये वाली भी चटनी है, बस यही मसाला, यही मसाला, यही चटनी इसी के अंदर। ये तो अच्छा चीज़ है।
अभी पार्टी शुरू हुई है, यही चीज़ है असल। कितने साल से बना रहे हैं आप? 25 साल हो रहे हैं। 25 साल 25 साल बेटा 25 साल से बना रहे हैं भाई इस तवे के ऊपर। क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त भाई। ये आ गया कलेजी बर्गर, और ये देखें इसके अंदर ये कलेजी, और इसी के पूरा सब कुछ मसाला है, ना इसमें प्याज है, ना इसमें चटनी है, ना और कुछ है, सिर्फ कलेजी है, कलेजी का मसाला है, और उसी को इन्होंने ये बन के अंदर डाल दिया है। बन को भी अच्छे तरीके से मसाले के अंदर ये पूरा लगाते हैं। पाव भाजी के बन को जिस तरह बटर के अंदर मसाले के अंदर पूरा लगाया जाता है, उसी तरह इसको कलेजी को बर्गर को जो है ना बन को पूरा बनाया गया है। ये आप चेक करें, भाई मज़ेदार है, और मसाले के साथ लगा के आप खाएं तो काफ़ी स्पाइसी भी है। इस तरह के तवे पे जो कलेजी बन रही होती है ना, उसमें काफ़ी हीक आ रही होती है, स्मेल टाइप आ रही होती है, लेकिन इसके अंदर वो नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैंने इसको ट्राई किया, वरना मैं कलेजी इतनी ज़्यादा शौक से खाता नहीं हूँ, लेकिन ये ट्राई करने के लिए अच्छा है। कलेजी बर्गर के बराबर में मिल रहे हैं भाई गर्मा गर्म गुलाब जामुन और चमचम। कैसे हैं आप? ऑल इज़ वेल। खाना खा के आएंगे फिर इंशाल्लाह, ट्राई करते हैं। और यहाँ पे दोबारा मछली मिल रही है भाई, स्पेशल फिंगर फिश। ये मुल्ला ये कुन रखा हुआ है, वाइट कुन, ये छोटा साइज रखा हुआ है। छोटा साइज कैसा कुन? ये कुन 1000 रुपये किलो है फ्राई। एसी का बोलने से एसी का कुन का बोलने से ये आप देखिए, ये ओ चोरियाँ तैयार हो रही हैं यहाँ पे। कैसे हैं भाई, ठीक है? यार स्टाइल है यार, कचोरी डाल देंगे आपका। ये यूँ जाती है, यूँ पलट गई ये। यहाँ शावरमा तैयार हो रहा है भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। कितने का है शर्मा? 140। क्या बना रहे हो? तिल के लड्डू। मूंगफली की पट्टी बन रही है, यहाँ पे ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं, इधर भी सूप मिल रहा है, जिस तरह वो उस तरफ पूरे ये पट्टी है ना जहाँ पे स्टॉल लगे हुए, उसी तरह यहाँ से लेके वहाँ तक भी पूरे स्टॉल लगे हुए, और वहीं पे सामने ये कैफ़े नूर है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। हाँ भाई, मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करके हम पहुँच गए कैफ़े नूर, और इनकी दाल और कीमा जो है ना वो ज़रा टेस्ट करते हैं, क्योंकि मशहूर तो बहुत है, लेकिन कराची इतना बड़ा है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आज तक ज़िंदगी में ट्राई नहीं की हैं, जिनमें से एक इनका यह कीमा और दाल है, जिसको आज मैं फ़र्स्ट टाइम टेस्ट करूँगा। चेक करते हैं, ये मगज़ तैयार हो रहा है भाई कैफे नूर का। मगज़, कीमा, दाल, बहुत सारे आइटम है यहाँ पे, और मगज़ भी जो है ना वो इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर तैयार किया जा रहा है। ये चेक करें आप, तो ये भाई निहारी का काउंटर, ये निहारी है, यहाँ पे ये कीमा बन रहा है। कैसे है आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। ये है भाई मशहूर ज़माना कीमा। ये मटन होता है, बीफ होता है? ये बड़े का होती है, बड़े का। ओहो, ये देखें भाई आप, ये यहाँ पे चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बराबर में कलेजी चिकन की, कलेजी चिकन की, ये भी वही थी मैं स्पेशल की हमारे मशहूर। ये दूसरा है, ये नहीं, ये वाली, ये भाई तैयार हो रही है। ये अच्छा, वो तैयार हो रहा है, ये तैयार शुदा है। हाँ, ये है भाई दाल, कौन सी दाल? मसूर की दाल स्पेशल, मसूर की दाल, मसूर की दाल होती है ये। इसके अंदर चराग के अंदर सर्व की जाती है, चराग के अंदर नहीं, नहीं चाहिए प्लेट में दाल के ऊपर से फ्राई होती है, ये इसको फ्राई करते हैं। मसूर की दाल होती है भैया, मसूर की दाल होती है, ये फ्राई होने की वही रखी है। तो ये दाल है, ये फ्राई होती है फिर है? हाँ, कितने की प्लेट है दाल की? 180। और कीमा कितने का है? 270। 270 की जो है वो कीमे की प्लेट है, और 180 की जो है वो दाल की प्लेट है। क्या बात है भाई, नूर होटल की दाल फ्राई, चने की दाल, मसूर की दाल, एक तरह के खाने, बहुत ही ज़बरदस्त होटल है भाई। सिर्फ दाल खाना है? सिर्फ दाल खाना है, कोरंगी से, कोरंगी से सिर्फ दाल खाना है, माशाल्लाह।
खाना आ गया भाई हमारा, मशहूर ज़माना मसूर की दाल और ये तीमा, भैंस का तीमा होता है ये, और टेस्ट करते हैं भाई। इसके साथ हमारे पास ये सलाद भी आया है, सलाद के साथ थोड़ा सा ये चाट मसाला भी है, तो मैं थोड़ा सा मसाला भी चाट मसाला सैलेड के ऊपर डाल दूँ, और ये हल्का सा लेमन भी, क्योंकि लेमन जो है ना वो हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है। चले इमरान भाई बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट करें आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और इससे पहले भाई दाल टेस्ट करते हैं। दाल के ऊपर जो है ना वो ज़ीरे का और ऑयल का बघाड़ लगाया गया है, दूर दूर से लोग ये दाल खाने के लिए आते हैं। आपको टेस्ट के अंदर एक मियाँ जी की दाल बहुत मशहूर है, वो मैंने खाई है, वो देसी घी के अंदर बघारी जाती है, उस दाल से इसका दाल टेस्ट मुख्तलिफ है, क्योंकि वो शायद दालों का मिक्सचर होता है, बहुत गाढ़ी ठीक होती है, बहुत गाढ़ी दाल होती है। ये जैसी हमारे घरों में बनती है दाल चावल के साथ, उसी तरह की है, लेकिन ज़ायकेदार है, ज़ायकेदार बिल्कुल। दाल ऐसी है कि खाली आप दाल रोटी खाएँ, किसी कीमे सलाद रायते की ज़रूरत नहीं है, और ये आप अच्छा सा लुकमा बनाएं दाल का, ये दाल भर के खाएं। मेरे ख्याल है अगर ये जीरे का बघार नहीं लगेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। वो बघार लगाते हैं ना, ये उसका भी बात है, और वही बात है कि अल्लाह ने जायका दिया होता है, हाथ की बात होती है, वरना है ये आम मसूर की सालों साल से लोग यही टेस्ट बन चला रहे हैं। वाह, चावल के साथ खाएंगे ना तो और मज़ा आएगा मेरे ख्याल से। कीमा टेस्ट करते हैं मैं, बिल्कुल बिल्कुल कीमा, आप कीमा देखें, कोई तो बात नहीं बोल रहा है, बहुत ही जायकेदार दाल और कीमा मिक्स करके देखते हैं, हरी मिर्च के तड़के के साथ। दाल और कीमा किस मिक्स करें तो अलग ही मोहर बन गया है। हाँ, यानी कि ऐसा ही नहीं है जैसे मशहूर है। हाँ, सिंपल खाना है ये, कीमा और दाल बिल्कुल खाना होता है, कोई बहुत कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लेकिन बस अल्लाह ताला ने इनके हाथ में जायका दे दिया है, और इनकी जो कीमा और दाल है वो मशहूर हो गई है, और वाकई दोनों चीज़ों में जायका तो है। और सबसे बड़ी बात यह भाई, स्टैंडर्ड इनका टेस्ट जो है ना, आपको कभी भी आएंगे यही टेस्ट आपको मिलेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, मेन चीज़ कंसिस्टेंसी होती है। बिल्कुल, खाने में अगर एक दिन अच्छा जायका है दूसरे दिन ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं, मज़ा नहीं आता। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार भाई, कीमा भी बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कीमे से ज़्यादा अच्छी जो है ना वो दाल लगी, क्योंकि कीमा जो है वो नॉर्मली होटलों पर सेब मिलता है, टेस्ट बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन दाल जो है इसका जायका वाकई बेहतरीन है। राम क्या ले, खाना खाओ, ऑल गुड। नर्वस हो रहा है भैया, सब सही है ना, घबरा क्यों रहे हो? पहली बार देखा, पहली बार देखा है मुझे। और क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। असल में ये बेचारा अपनी फीलिंग बर्दाश्त बता नहीं पा रहा है, ये आपको बहुत पसंद करता है, नहीं, नहीं, तो वो आपसे मिला है तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा एक्सप्रेस कैसे करें। थैंक यू थैंक यू, खाना खाओ ना, और सब फ्रेंड है ये। अरे अरे मेरा भाई क्या हो गया यार, क्या हो गया अब्दुल रहमान, चलो सेल्फी ले लूँ मैं तुम्हारे साथ। चले भाई यार, ये आप सब लोगों की मोहब्बत है, बच्चा जो है वो एक्साइटमेंट बहुत, मुझे भी जज्बाती कर दिया बच्चे ने। खाना बहुत ज़बरदस्त है भाई नो डाउट, और उससे ज़्यादा ज़बरदस्त ये होता है कि जब लोग मिलते हैं और अपनी मोहब्बत शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सब लोगों का, और अल्लाह पाक आपको इसी तरह से दिन बाई दिन आपकी ये जो मेहनत है ये काबिश है, इंशाल्लाह आगे बढ़ती है। आमीन आमीन। आप बताओ सर, कैसा रहा आपका टूर कनाडा? टूर रहा अच्छा रहा यार, माशाल्लाह बड़ा अच्छा।
हमने आपके साथ काफी अभी भी एंजॉय करा, आपके साथ साथ हमने भी कर रहे। अच्छी बात है, अगर वीडियो देख के लोग साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं तो ये आपके दोस्तों से हमने भी काफी कुछ वादा दे रहा है कि आपने वो फार्म का भी वीडियो दी, वो जू वाली होती ना, जू वाली वीडियो बड़ी पसंद आई लोगों को। बिल्कुल, आप लोगों ने नहीं देखी तो ये ऊपर जो है ना वो लिंक आ रहा है, आप लोग जाके देख सकते हैं जू वाली वीडियो। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त वीडियो थी, वो जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पे कीमा दाल वाल खाने के बाद हम आ गए यहाँ पे, यहाँ पे ये और उसी जगह पे जहाँ पे हमने बाकी सारी चीज़ें खाई है ना, उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गाजर का हलवा भी है, गुलाब जामुन भी है, दूध दुलारी, रबड़ी वगैरह वगैरह। तो मछली भी खा ली है, सूप भी पी लिया है, तो गाजर का हलवा भी माहौल के हिसाब से हो जाए तो क्या ही बात हो जाए भाई। थोड़ा गाजर का हलवा कितने की प्याली है, ये 180 रुपये पाव है। ये इस पर प्याली में कितना आता है, एक पाव भी आता है, आधा पाव भी आता है, आधा पाव कर दो इसमें थोड़ी खाएंगे। लेकिन सर ये बादाम ये बोला जो है डाला ना लड़के ने, ये बादाम इस पर काजू आ गए और इस पर गुलाब जामुन तो डालना गर्मा गर्म। क्या नाम है आपका? शुएब भाई का है ये सईद स्वीट्स। सईद स्वीट्स के ऊपर ट्राई कर रहे हैं हम गाजर का हलवा और गुलाब जामुन का कॉम्बिनेशन। बिस्मिल्लाह, नया टेस्ट बनाए। गाजर का हलवा बहुत ही आला है, गुलाब जामुन थोड़ी ज़्यादा मुझे मीठी लग रही है, लेकिन गाजर का हलवा कोई के साथ अखरोट बादाम पिस्ते। ओके भाई, तो इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का अख्तितम हुआ। बड़ा मज़ा आया भाई, इमरान भाई की रिकमेंडेशन पे हम यहाँ पे आए थे और काफ़ी मज़ेदार चीज़ें इन्जॉय की, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें भी बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे बाकी हैं, जो इंशाल्लाह हम फिर दोबारा आके यहाँ पे ट्राई करेंगे। आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया।